बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बच्चा होने के बाद दूध नहीं आता। हमारे देश में ना मतलब कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी में झाइयां होती है ना। हाँ, दिन में 5 बार 6 बार जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो, जब भी आपको टाइम मिले नारियल के तेल से। देखो जिसको भी चाहे गैस है चाहे कब्ज है कोई भी दिक्कत, आप ये देना शुरू करो उसको। अच्छा ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बच्चा होने के बाद दूध नहीं आता। कई बार वो पंप से भी दूध खींचने की कोशिश करती हैं तब भी नहीं आता है। तो ना हमारे आयुर्वेद में मतलब हमारे शास्त्रों में जैसे पुराने टाइम में जो दाई होती थी वो क्या करती थी, घोल बना के देती थी। तो उसमें ना एक प्लांट आता है शतावरी, मैं आपको इस पे लिख देती हूँ शतावरी। इसका आप चूरण ले लो बाजार से, ठीक है। इसके चूरण के 2-2 चम्मच 1 गिलास दूध में इसको उबालना है, ठीक है। उबाल कर उसको सुबह शाम पीने को दो, उबाल कर सुबह शाम पीना है इसे। 1 गिलास दूध में उबाल कर लेना है सुबह शाम। इससे जिन भी महिलाओं में बच्चा होने के बाद दूध नहीं आता, दूध आना शुरू हो जाता है। मेरी बेटी का नहीं आ रहा। अभी कितने महीने हो गए डिलीवरी को? 6 दिन। 6 दिन नहीं 8 दिन। 8 दिन ना। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अभी उसको ये शुरू कर दो, दूध आना शुरू हो जाएगा अपने आप। ये सब लिख दिया है? लिख दिया शतावरी चूरण, ये आप किसी भी दुकान पे जाओगे वो आपको दे देगा, ठीक है। इसके 2 चम्मच 1 गिलास दूध में उबाल लिए, ठीक है। फिर उसको सुबह उसको पीने को दे दो और शाम को पीने को दे दो। वो जो 2 चम्मच उबाल, 2 चम्मच 1 दूध में उबालिए ना, तो वो दूध का जैसे काढ़ा टाइप 1 गिलास दूध में सुबह शाम पीना है, धीरे धीरे दूध बनने लग जाएगा अपने आप, ठीक है। और इस नंबर पे आपने कान की दवा का करना है। और जो आपकी दवाई थी वो ये थी जिसका पेट साफ नहीं होता, उसमें त्रिफला चूर्ण, ये आप बाजार से ले लेना। इसका 1 चम्मच रात को लेना है गर्म पानी से। अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो फोन का इस्तेमाल करते हैं ना, आंखों के लिए ना मतलब एक नुस्खा है जो बहुत अच्छा काम करता है और रोशनी पे बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें चश्मा लग जाता है, तो उनमें आप वो नंबर कम कर सकते हो। आपने इसमें देखो 4 बादाम पानी में भिगो देने हैं रात को, ठीक है। सुबह उठ के इनका छिलका उतार लेना है। इसके बाद आपने 4 काली मिर्च लेनी है, ठीक है। 1 चम्मच आपने लेना है देसी घी गाय का, देसी घी गाय का, ठीक है। ये सारी चीज़ों का मिश्रण बना लेना है, जैसे हम खरल में पीस लेते हैं ना। फिर इसको 1 गिलास दूध में उबाल लो, दूध भी गाय का लो, गाय उबाल लिया। फिर इसको डेली सुबह पीना शुरू करो खाली पेट, और कोई भी बच्चा है उसको देना शुरू करो। जिसको भी चश्मा लग रहा है वो धीरे धीरे कम होता है, नंबर कम होने लग जाता है जितनी उनकी क्षमता है। और जो भी जैसे महिलाएं हैं सिलाई करती हैं बहुत ज़्यादा, एक ही जगह पे देखती है तो आंखों में दर्द होने लग जाता है, प्रेशर बढ़ता है आंखों का, तो वो जैसे ये पीना शुरू करेंगी ना तो वो रोशनी पे बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा देखो झाइयाँ सबसे कॉमन है इनके चेहरे पे, जैसे ये हैं। देखो अब ना आप लोग समझो पहले इस चीज़ को कि झाइयाँ होती क्यों हैं। हमारे देश में ना मतलब कितनी महिलाएं ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी में झाइयाँ होती हैं, होती है ना, मतलब मोस्टली होती हैं, खून की कमी है। या जब बच्चा हमारे पेट में बनता है तो हमें जितनी मात्रा में तत्व चाहिए पोषण चाहिए हम उतनी मात्रा में नहीं दे पाते, तो झाइयाँ बनती हैं। अब जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि अब ये झाइयाँ तुरंत ख़त्म हो जाएं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जाते हैं दुकान पे उसको बोलते हैं ट्यूब दे दें, ठीक है। फिर वो क्या करता है आपको ट्यूब देता है और बोलता है कि जितनी जगह पे है उतने पे लगा लो। फिर आप लगाते हो, कुछ दिन साफ होता है, फिर और उभर के आती हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे आपके यहाँ पे झाइयाँ शुरू हुई हैं और यहाँ झाई शुरू हुई है और यहाँ पे झाई आ रही है अभी। अब ना आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना अपने, जैसे देखो हमारा काम क्या है, हम आपको बता रहे हैं, आप देखो आगे 10 महिलाओं को बताओ, ऐसे ही पूरी चेन बनेगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा चेहरा है ना, सर्दियां आती हैं तो हमें स्वेटर और जैकेट पहननी पड़ती है, ठंड लगती है। गर्मियां आती हैं तो हम सूट में घूम लेते हैं, ऐसे ही हमारा चेहरा है। इसके नीचे अलग अलग लेयर है, 6 परतें हैं। अब झाइयां 6 परतों में भी हो सकती हैं, 2-3 में भी हो सकती है, कैसे भी। तो जिन भी महिलाओं को यहाँ पे झाइयां ना, मैं अगले महीने पूछूंगी कितना अंतर है। इस महीने सिर्फ 2 काम आप लोगों ने करने हैं। एक तो जब भी आपको टाइम मिले ना दिन में, नारियल का तेल लेना है और उससे अपने चेहरे पे 5 मिनट मालिश करनी है। जब भी टाइम मिल जाए, चाहे 2 घंटे में 5 मिनट मिल जाए,
चाहे 4 घंटे में, और रात को सोने से पहले नारियल के तेल से अच्छे से मालिश करके सोना। कई बार कर सकते हैं? हाँ, दिन में 5 बार 6 बार जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो, जब भी आपको टाइम मिले नारियल के तेल से। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, जायफल लेना है। जायफल आपको बाजार में मिल जाएगा, जैसे वो बच्चों को घिसके देते हैं ना जब पेट वेट खराब होता है, जायफल को ले आओ, उसको घिसो कच्चे दूध में, उसका लेप जो भी आपके झाई है, मानो किसी को यहाँ है, किसी को यहाँ है, किसी को यहाँ है, ठीक है, यहाँ 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 जहाँ पे भी है, उसके ऊपर ना 15 मिनट उसका लेप लगाना है, और 15 मिनट के बाद पानी से धो लो। 1 महीना ये काम करना है, फिर मुझे अंतर बताना है कि कितना आराम है। 15 मिनट में धो लेना है जायफल, बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो आपकी जो स्किन है ना उसको वो जला देता है। वो ज्यादा गर्म होता है। हाँ, गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म। और जैसे आप एक बार लगा रहे हो, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे एक बार लगाने से लगे मुझे जलन है, तो वो जायफल ना लगाए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। गैस के लिए, गैस के लिए, अच्छा गैस भी बड़ी कॉमन है, मतलब गैस ऐसी चीज है ना जो ऑलमोस्ट हर महिला को होती होती है, महिला क्या पुरुष को भी होती है, सबको है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया जब वक्त मिलता है हम तब खाना खाते हैं। देखो, सबसे पहले अपनी जिंदगी का ना एक असूल बना लो, जिसको गैस को जिंदगी के लिए दूर करना है, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाओ, पेट में ना पचने की जगह छोड़ो। अब हमें होती है 4 रोटी की भूख, हम सोचते हैं कोई ना 5 खा लेते हैं, चल 6 ही खा लेते हैं, आने दो, और करते हैं ना हम ऐसे, लेकिन अब हमें उससे थोड़ा कम खाना है ताकि पचने की जगह मिले, खाना वहाँ पे सड़े नहीं। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, देसी, जैसे पुराने टाइम में करते थे, जिन भी लोगों को गैस और कब्ज रहती है उन्होंने क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम हरट और 20 ग्राम लगभग आंवला का चूर्ण, ये मैं बता दूंगी इनका, हाँ दो मैं लिख दूँ साथ में आपको ना, इसका पाउडर बना के रख लोगे, ठीक है, घर पे, और दिन में 2 बार सुबह शाम ये खाना शुरू करो। जैसे क्या बताया मैंने आपको, हाँ 50 ग्राम अजवाइन, ठीक है, 50 ग्राम आपको लेनी है सौंफ, ठीक है, 10 ग्राम आप ले लो हरड़ का चूर्ण, हरड़ का चूर्ण ये आपको बाजार से मिल जाएगा, ठीक है, और 20 ग्राम आपको लेना है आंवला चूर्ण, इनका पाउडर बना लिया, इसमें आपने एंड में ऐड करना है लगभग 10 ग्राम काला नमक, जो अजवाइन और सौंफ है इनको आप भून कर डालोगे, ये दो चीज, हाँ पाउडर बना लिया, डब्बा बना के रख लो, दिन में जितनी बार खाना खाया उसके बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी से ले लो, अच्छा। और पानी में घोल के ले लो, इससे क्या होगा जो आंतों में मल चिपका है वो बाहर निकल जाएगा, जो गैस बन रही है अंदर से बदहजमी हो रही है, कई बार मुंह में बदबू आने लग जाती है, ठीक है, खट्टा पानी बनने लग जाता है, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, ये अब आपने करना है, ये लो। लड़की के छाले भी बहुत होते हैं मैडम, मुंह में बहुत छाले, उसका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है ना गर्मी। देखो जिसको भी, चाहे गैस है चाहे कब्ज है, कोई भी दिक्कत, आप ये देना शुरू करो उसको, उसका पेट साफ होगा। वो कितने साल की है? 17 साल की। देखो उसको आप ना, जैसे मतलब ये आपके यहाँ पे और भी होंगे तो आप उनको बता देना, जैसे छोटी लड़कियां हैं जिनमें महीना आना भी शुरू होता है लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, आंवला जूस खरीद लो बाजार से, आंवले का जूस, रोज सुबह शाम उनको बोलो कि 10-10 ml आंवला जूस जो है वो उनको सुबह शाम खाली पेट देना शुरू करो, इससे उनका महीना भी ज्यादा बेटर होगा, चेहरा भी साफ होगा, और जो भी उनको कब्ज है वो खुलने शुरू हो जाएगी, पेट साफ होने लग जाएगा उनका, ठीक है। और आप अपने इस पे जायफल लगाना, इस पे और ये हिस्से पे, और ये अभी तो झाइयां शुरू हुई हैं।